और इस वक्त की बड़ी खबर यूपी चुनाव की मतगणना से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग प्रक्रिया शुरू। मतगणना में सुबह का पहला रुझान सामने आया। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। 6 सीटों का रुझान सामने आया है और 5 पर समाजवादी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। 1 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं। चुनाव परिणाम के रुझान सामने आने लगे हैं और मीडिया हलचल हर रुझान सबसे पहले आपको दिखाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव की मतगणना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतगणना में सुबह का पहला रुझान सबसे पहले हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। 6 सीटों का रुझान सामने आया है और 6 में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। 1 सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझान सामने आए हैं और शुरुआती रुझान में सपा आगे दिखाई दे रही है। 6 सीटों का ये रुझान है जिसमें 5 पर सपा, 1 पर बीजेपी आगे है। मीडिया हलचल हर रुझान पर नजर बनाए हुए है और जैसे जैसे रुझान सामने आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल 6 सीटों का रुझान सामने आया है जिसमें 5 पर सपा, 1 पर बीजेपी आगे चल रही है और लगातार रुझान जो है वो आगे आते जा रहे हैं। तो 403 विधानसभा सीटों की काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतगणना का ये पहला रुझान सामने आया है और लगातार जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा एक एक कर रुझान हर विधानसभा सीट का सामने आता जाएगा। और फिलहाल 6 सीटों के रुझान में 5 पर सपा आगे, 1 पर बीजेपी, पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही जिसमें ये रुझान सामने आया जिसमें सपा आगे और बीजेपी पीछे दिखाई दे रही है। सपा 5, बीजेपी 1, 6 सीटों का ये रुझान। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। 6 सीटों का रुझान सामने आया है और 5 पर समाजवादी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। 1 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं। चुनाव परिणाम के रुझान सामने आने लगे हैं और मीडिया हलचल हर रुझान सबसे पहले आपको दिखाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव की मतगणना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतगणना में सुबह का पहला रुझान सबसे पहले हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। 6 सीटों का रुझान सामने आया है और 6 में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। 1 सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझान सामने आए हैं और शुरुआती रुझान में सपा आगे दिखाई दे रही है। 6 सीटों का ये रुझान है जिसमें 5 पर सपा, 1 पर बीजेपी आगे है। मीडिया हलचल हर रुझान पर नजर बनाए हुए है और जैसे जैसे रुझान सामने आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल 6 सीटों का रुझान सामने आया है जिसमें 5 पर सपा, 1 पर बीजेपी आगे चल रही है और लगातार रुझान जो है वो आगे आते जा रहे हैं। तो 403 विधानसभा सीटों की काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतगणना का ये पहला रुझान सामने आया है और लगातार जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा एक एक कर रुझान हर विधानसभा सीट का सामने आता जाएगा। और फिलहाल 6 सीटों के रुझान में 5 पर सपा आगे, 1 पर बीजेपी, पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही जिसमें ये रुझान सामने आया जिसमें सपा आगे और बीजेपी पीछे दिखाई दे रही है। सपा 5, बीजेपी 1, 6 सीटों का ये रुझान।